हरियाणा के बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर सुर्खियों में है, जिसकी वजह 2004 में ब्राह्मण सभा आदमपुर को धर्मशाला के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा है, जो कुलदीप बिश्नोई द्वारा अब तक नहीं दिए गए हैं। इसकी गवाही का पत्थर आज भी लगा हुआ है, जिसके चलते ब्राह्मण सभा ने नाराजगी जताई है और सिरसा के निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा को 11 लाख की रकम दिलाने के बारे में पत्र लिखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि रकम कुलदीप बिश्नोई पर लेनी है तो गोपाल कांडा को पत्र क्यों लिखा गया, तो चलिए आपको पूरी डिटेल में बताते हैं। दरअसल आदमपुर उपचुनाव में ये मुद्दा उठा तो गोपाल कांडा को कुलदीप ने बीच में रख दिया। कांडा ने कहा कि अगर कुलदीप बिश्नोई अब भी पैसे ना दें तो मैं दे दूंगा, लेकिन 2 साल के बावजूद बिश्नोई ने ये पैसे अब भी नहीं दिए। बताया जा रहा है कि अब ये पैसा कांडा अपनी जेब से देंगे। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई के जमानती बने गोपाल कांडा को ब्राह्मण सभा ने ये पत्र लिखा है। बहरहाल बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ये वादा खिलाफी का मुद्दा एक बार फिर खड़ा हो गया है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुलदीप बिश्नोई के कानों पर इस मामले को लेकर कोई जू रेंगती है या फिर जमानती बने गोपाल कांडा को ये रकम अपनी जेब से देनी पड़ेगी। फिलहाल कुलदीप बिश्नोई की इस वादा खिलाफी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।